जय हिंद एवरी वन दिस इज भाग्यश्री होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में लगातार मुझसे पूछे थे कि मैम मैं दिल्ली पुलिस को कैसे ज्वाइन करें आपका इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके अलावा आपका इसमें सिलेबस क्या होगा आपको कितना वेतन भत्ता दिया जाएगा और आफ्टर ज्वाइनिंग आपको क्या क्या काम करवाए जाएंगे आपका प्रमोशन कैसे होगा और आने वाली वैकेंसी की अपडेट तो वन बाय वन मैं सारे टॉपिक पर चर्चा करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको अपडेट मिले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिल्ली पुलिस को लेकर जो क्रेज़ है ना वो नेक्स्ट लेवल है क्योंकि दिल्ली पुलिस वर्ल्ड की बेस्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस मानी जाती है उसके साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो अदर स्टेट पुलिस में नहीं मिलती हैं के बावजूद दिल्ली पुलिस में मिलती हैं तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले कहीं स्टेट पुलिस में थे वो भी सेंट्रल

होता है। पहले के दो हजार अठारह से पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले फिजिकल होता था उसके बाद में कट ऑफ जारी करके रिटर्न एग्जामिनेशन करवाया जाता था बट अब ऐसा प्रोसेस नहीं है आपका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन वो एस कंडक्ट करवाता है जो टोटली सीबीटी बेस्ट होती है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका इसमें जो एस कंडक्ट करवाती है सीबी सीबीटी एग्जामिनेशन होने के बाद में आपकी वैकेंसी का लगभग 12 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है उसके बाद में आपका फिजिकल होता है देन आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे प्रोसेस यहां पर होते हैं अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं आपको केवल ट्वेल्थ पास होना ज़रूरी है ज़रूरी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं कोई भी आपका स्ट्रीम रहा हो ट्वेल्थ में किसी के पास आर्ट्स रहता है किसी के पास साइंस किसी के पास कॉमर्स डजेंट मैटर आप केवल और केवल ट्वेल्थ पास होने चाहिए हाँ ओपन वाले कैंडिडेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए ठीक है उसके बाद मैं बता देती हूँ कि ये तो आपकी भर्ती की प्रक्रिया थी देन हम बात करते हैं कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है बेसिकली इसमें आपके चार सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें कि मैथ रीजनिंग जीके और कंप्यूटर रहता है जिसमें वेटेज के हिसाब से बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जीके का रहता है जो कि लगभग 50 नंबर का है उसके बाद में आपका वेटेज रहता है रीजनिंग का जो कि 25 नंबर का होने वाला है देन उसमें वेटेज रहता है मैथ्स का पंद्रह नंबर और कंप्यूटर भी एक आप इसमें सब्जेक्ट रहता है जो कि लगभग दस नंबर का है अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैम मेरे को कंप्यूटर में पर्टिकुलर कोई नॉलेज नहीं है या फिर हम कहीं तो मेरे पास कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है या फिर मेरे को टाइपिंग नहीं आती तो क्या मैं इसके लिए एप्लीकेबल हूँ तो आप एप्लीकेबल है ये एज ए सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आता है जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल फॉर्म में तो आपको केवल वो अटैम्प करने होते हैं डजेंट मैटर आपको इसमें कि कोई स्पेसिफिक डिग्री यहाँ पर नहीं मांगी गई है ठीक है तो सबसे ज़्यादा वेटेज मैंने आपको ही दिया है कि यहाँ पर जीके का रहता है तो जीके में आपको बहुत अच्छी पकड़ यहाँ पर करनी होगी और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये डाउट रहता है कि मैम मेरी मैथ वीक है तो क्या मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ हाँ अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी एग्जामिनेशन आ जाएगी या पहले भी मैंने ये चीज़ प्रोवाइड करवा रखी है कि मैथ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जिनको आप अच्छे से पढ़कर पंद्रह में से कम से कम सात से आठ नंबर तो आप आसानी से ले सकते हैं तो जो टॉपिक पे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पढ़ लीजिए जरूरी नहीं आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ना है केवल वही पढ़े जो एग्जाम में आ रहा है ठीक है इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपके सौ प्रश्न होते हैं सौ नंबर के डेढ़ घंटा आपको दिया जाता है अपने प्रश्न पत्र को हल करने का उसके अलावा आपका जो पेपर होता है वो टोटली सीबीटी बेस्ट होता है वन फोर्थ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो ये तो रहा आपके सिलेबस की बात उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसे कौन अप्लाई कर सकता है उसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी एज क्राइटेरिया तो एज इसमें नॉर्मली आपके 18 से 25 मांगी गई है इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया जाता है बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस साल लास्ट चांस है तो क्या वो इसे अप्लाई कर सकते हैं मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 के बीच में आपकी एज यहां पर होनी चाहिए अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 18 से 28 होनी चाहिए यानी कि आपको तीन साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा अगर आप एस या एस स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पाँच साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ये रिलैक्सेशन आपको तभी दिया जाएगा जब आपके पास में सेंट्रल लेवल का प्रमाणित सर्टिफिकेट हो यानी कि जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं उस टाइम पर आपकी दो मैंडेटरी चीज़ होती है अगर आप बॉयज़ हैं तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी है दूसरा आपके पास में सेंट्रल लेवल का ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि क्रूशियल डेट से पहले का हो अपडेटेड हो ठीक है रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद में इसका सेकंड फेज रहता है फिजिकल एग्जामिनेशन तो फिजिकल इसमें क्या क्या करवाया जाता है देखो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि फिजिकल के टाइम पे जिनकी हाइट अच्छी होती थी उनको हाइट के भी मार्क्स दिए जाते थे बट अब ऐसा नहीं है फिजिकल में मेनली इसमें आपके तीन ही इवेंट होते हैं जिसमें एक रेस होता है एक लॉन्ग जंप होता है एक हाई जंप होता है अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी 1600 मीटर की रेस होती है जो कि आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है उसके अलावा लॉन्ग जंप आपका 14 फिट का होता है तीन चांसेस आपको दिए जाते हैं सेम हम बात करें तो हाई जंप भी आपका तीन फीट नौ इंच का होता है जिसमें कि आपको तीन चांसेस दिए जाते हैं ये क्वालिफाइंग होते हैं आपको करने पड़ते हैं ये क्वालिफाइंग करेंगे तभी आप नेक्स्ट इवेंट के लिए अपीयर होंगे आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका रनिंग होता है उसके बाद में थोड़ा सा जब आप वार्म अप रहते हैं हैंड टू एंड आपका जो है लॉन्ग जंप करवा लिया जाता है उसके बाद थोड़ा गैप करवा के हाई जंप करवाता है तो ये तो आपका है फिजिकल प्रोसेस सेम दूसरी ओर अगर मैं बात करती हूँ फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो सोलह सौ मीटर की रनिंग आपको आठ मिनट में करनी होगी लॉन्ग जंप आपका दस फिट का होगा जिसके लिए भी आपको तीन चांसेस दे जाएंगे हाई जंप आपका तीन फिट का होगा जिसमें भी आपको तीन चांसेस दिए जाएंगे ये दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं थर्ड आपका इसमें पॉइंट रहने वाला है सबसे ज्यादा जरूरी सैलरी की आप काम करेंगे तो आपको कितना पेमेंट यहां पर मिलेगा अगर आप अंडर ट्रेनिंग है तो आपको ट्रेनिंग के दौरान थर्टी टू टू थर्टी सेवन आपको पेमेंट दिया जाता है बट आप आफ्टर ट्रेनिंग जब आप पास आउट हो जाते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो जाते हैं उसके बाद में आपको जो है पेमेंट लगभग फोर्टी फाइव प्लस यानी फोर्टी सेवन और अभी आफ्टर ट्रेनिंग टू 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 थ्री ईयर्स में आपको फिफ्टी प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाती है सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं जिसमें कि डी यानी डिओंस अलाउंस महंगाई भत्ता मिलता है उसके अलावा एच यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसके अलावा आपका टीपी टी यानी ट्रांसपोर्ट अलाउं

डिडक्ट कर इसमें इन्वॉल्व करके आपको एनपीएस देती है जिसको आप एक टाइम के बाद में निकलवा सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपनी सर्विस के लास्ट में आप निकलवा सकते हैं तो ये तो आपको पेमेंट दिया जाता है और सबसे जरूरी बात बताऊ ना आपको कि एकमात्र ही ऐसी पुलिस है जिसमें आपको 12 महीने की जॉब करने पर 13 महीने की सैलरी दी जाती है क्योंकि एज यू नो पुलिस की जो जॉब है वो 24 फोर इंटू सेवन होती है यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको मुफ्त में ही ये सैलरी दी जाएगी उसके बदले में आपको अच्छे से काम में भी लिया जाएगा आपको जैसे मान लीजिए कोई हाई अरेंजमेंट है हाई ड्यूटी है वोटिंग वगैरह है या फिर हम कहीं तो कोई टूर्नामेंट वगैरह है कोई ओलंपिक वगैरह कुछ ऐसा सा मूवमेंट होता है तो उसमें आपकी जो ड्यूटी है कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है उसी तौर पर देखते हुए आपको 12 महीने के बजाय 13 महीने की सैलरी दी जाती है यानी कि एक महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा दी जाती है और ये एक्स्ट्रा सैलरी आपको दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में मिलती है यानी कि दिसंबर की सैलरी के साथ एक सैलरी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दी जाती है देखो प्रोसेस मैंने बताया दिया सबसे पहले आपका रिटर्न होगा उसके बाद में फिजिकल होगा उसके बाद में आपका मेडिकल होगा अब मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं बहुत सारे कैंडिडेट को मेडिकल को लेकर बहुत सा डाउट था तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ देखो एक तो आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है जैसे हम हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कह देते हैं ठीक है उसमें आपको कोई मधुमेह टाइप की कोई रोग नहीं हो या फिर उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैंडिडेट जो है पूर्णतः स्वस्थ है देन आपका होता है यूरिन टेस्ट उसके अलावा आपका चेस्ट, चेस्ट का एक्सरे जरूर करवाया जाता है ये तीन चीज तो थी मैंडेटरी उसके अलावा मैं बात करती हूं ऊपर से शुरू करें अगर हम तो आपका आइस टेस्ट करवाया जाता है आइज टेस्ट में आपका सिक्स बाई सिक्स एंड वन आई सिक्स बाई सिक्स एंड सेकेंड आई सिक्स बाई नाइन तक चल सकती है मेडिकल के बारे में कम्प्लीटली मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें मैं आपको जीरो से लेकर लास्ट कौन कौन से जो है हम का तो बॉडी पार्ट चेक किए जाते हैं कितना डीप किसी भी पार्ट को चेक किया जाता है कहाँ कहाँ पर थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती है उस बारे में मैं आपको कम्प्लीटली वीडियो बनाऊँगी देन हम बात करते हैं आपका ईयर टेस्ट करवाया जाता है जिसमें कि आपको एक लो फ्रिक्वेंसी पर एक साउंड सुनवाया जाता है देन फ्रिक्वेंसी को

बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि मैम मेरा आ, कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या चल जाएगा देखो आइज में थोड़ा 19 बीस चल जाता है ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल आर्मी टाइप का अ, मेडिकल आपका होता है बट अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके लिए कोई भी रियायत नहीं है बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है कलर uh, ब्लाइंडनेस जिसको भी है वो पहले ही यहाँ पर हटवा दिए जाते हैं आई टेस्ट के लिए मैं आपको कंप्लीटली बता देती हूँ कैसे होता है नॉर्मली आप में आपको इसमें एक निश्चित दूरी पर खड़ा करके अक्षर पढ़वाए जाते हैं जिसमें छः बाई छत्तीस फिर उसके करके छः बाई चौबीस छः बाई बारह ऐसे करके छः बाई नौ फिर छः बाई छः तक के अंक आपको पढ़वाए जाते हैं जिसमें आप छः बाई एक आंख से छः बाई छः और एक आंख से छः बाई नौ तक कब भी पढ़ लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हैं उसके अलावा आपको बहुत ही बारीक शब्द पढ़ाए जाते हैं एक बुकलेट सी दी जाती है उसमें बहुत पतले पतले शब्द लिखे होते हैं छोटे छोटे से उसको आपको क्लियरली पढ़ना होता है डॉक्टर आपके पास में बैठता है और पूछता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है उसके अलावा आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए कुछ इस टाइप की जो है वो एक बुक दी जाती है जिसमें डॉटेड कलर होते हैं उनमें अंक छिपे होते हैं कि आपकी आंख उस अंक को पहचान पा रही है नहीं पहचान पा रही तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो बहुत आसानी से पकड़ा जाता है अगर किसी स्टूडेंट को होता है तो तो वो कहीं भी माफीनामा उसमें नहीं है बाकी चीजें उन्नीस बीस फर्क चल जाता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं टीथ टेस्ट तो इसमें टीथ का इसमें कोई ज्यादा वैसे रोल है नहीं बेसिकली यही है कि आपके दांत जाड़ में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा हुआ हो बाकी आपके दांत स्वस्थ होने चाहिए अट्ठाइस दांत हैं आपके ठीक है ओके okay, ओके okay, है दांतों में इतना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें फिर रहता है नोकनी ठीक है हैंड की भी बैंड चेक किया जाता है कि, कि किसी के हाथों में बैंड नहीं हो ऐसे करके चेक करते हैं ना डॉक्टर कंप्लीटली कि यहाँ से बैंड नहीं बन रहा हूँ ठीक है और उसके बाद में नोकनी आपका चेक करते हैं कम्प्लीटली जिसमें कि आपको बिल्कुल सीधा खड़वा खड़ा करवा दिया जाता है और आपके दोनों घुटनों के बीच के जो गैप है उसको मेजर करवाया जाता है होता है उसके बाद में आपका नेक्स्ट होता है फ्लैट फूड तो देखो फ्लैट फूड भी आपका बिल्कुल भी यहां पर हम कहें तो इग्नोरेबल नहीं है फ्लैट फुट भी आपका चेक किया जाता है अच्छे से डॉक्टर आपको पहले खड़ा करके चेक करता है उसके अलावा जो है वो जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैरों के नीचे हाथ डाल के देखता है कि कितना गैप यहाँ पर बन रहा है या फिर हम कहें तो पर्टिकुलर अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो वो आपको उठ खड़ा करके आपके पैरों की पोजिशन देख भी बता देता है कि इस बंदे को फ्लैट फ्लैटफुट है या नहीं आप अगर ये चेक करेंगे आपको कहीं डाउट होगी मेरे को फ्लैट फुट है या नहीं तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ आप ऐसे चेक कर सकते हैं नॉर्मली आप पानी में अपना पैर दे अब जब उसका प्रिंट आउट लेते हैं कहीं छाप देते हैं तो उससे आपको अपने पैरों की एक्चुअल मेजरमेंट पता चल जाएगी अब कई लोगों को फ्लैट फुट होता है ना तो उसका पूरा पैर यहां पर छप जाता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो पैरों की होती है वैसे नहीं आ पाती है ठीक है तो ये सारे, ये सारे सारे मेनली इसमें बात तो कहीं ना कहीं मेडिकल टेस्ट था हाँ प्राइवेट पार्ट भी चेक होता है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे रखा होता है कि कईयों को इस टाइप की बीमारी न हो तो मेडिकल भी मैं आपको कंप्लीटली एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी ठीक है अब सबसे ज्यादा जरूरी बात है आपका बॉयज है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना देखो फॉर्म भरते टाइम आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है डजेंट मैटर बट जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं उस टाइम पर आपके पास में अपना परमानेंट ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लर्निंग आपका बिल्कुल भी इसमें नहीं चलेगा बॉयज़ के लिए कंपलसरी है गर्ल्स अगर लाए तो ठीक है अच्छी बात है नहीं लाए तो कोई बड़ी बात नहीं है उसे बाहर नहीं करवाया जाएगा उसके साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर आपके पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और जिन भी कैंडिडेट को हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है जैसे कि हिल एरिया के पर्टिकुलर कैंडिडेट हो उसके अलावा हम बात करते हूँ वार्ड ऑफ पुलिस हो एम स्टाफ हो है हाँ ना उसके अलावा हम बात करते हैं एक्स सर्विस हो तो उनके पास में जो है अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए ठीक है अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है सबसे बड़ी फैसिलिटी तो यही है कि देखो जब आप भर्ती होते हो उसके तीन साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो हेड कॉन्स्टेबल के एग्जाम दे सकते हो उसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की जो है हम कहें पर्टिकुलर कट ऑफ यहाँ पर जाती है अलग से कट ऑफ जाती है उसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट मेल है वो भर्ती होने के बाद में तीन साल बाद में सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं यानी कि मेल कैंडिडेट जो कि एज ए कॉन्स्टेबल भर्ती हुए है तीन साल बाद में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं डिपार्टमेंटल जिनके कट ऑफ अलग से जाते हैं है और उन्हें रिलेक्सेशन भी दिया जाता है मैं क्लियरली बता देती हूँ फीमेल कैंडिडेट को सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में डिपार्टमेंटल होने का कोई भी यहाँ पर छूट या फिर हम कहें तो फायदा नहीं मिलता है उसके बाद में बता देती हूँ कि नेक्स्ट आपका इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है कि आप अपने और अपने परिवार का किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं सी स्कीम के माध्यम से ठीक है जब आपकी सैलरी बनती है तो उसमें सी का एक पैसा यहाँ पर डिटेक्ट होता है ठीक है उसके लिए आपको पर्टिकुलर सी कार्ड दिया जाता है जो भी सी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर आप इलाज करवा सकते हैं उसके बाद में आपका जो पैसा लगा है उसका मेडिकल क्लेम करवा कर आपको इसका जो मनी है वो दे दिया जाता है और उसके अलावा खास बात बता देती हूँ एल की आपको अपनी सर्विस के अगर 10 साल हो गए हैं तो आप हर एक चार साल बाद में अपने परिवार के साथ तो ओवरऑल इंडिया का एक टूर ले सकते हैं इसमें आपका टूर जो है वो एयर टूर भी हो सकता है तो ये एल बहुत अच्छी स्कीम है इसमें आप अपने परिवार के साथ ओवरऑल इंडिया में घूम सकते हैं जब आपको अपनी सर्विस के चार साल हो जाते हैं उसके बाद में थर्ड इसमें अच्छी फैसिलिटी है एनपीएस फैसिलिटी जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है जिसमें कि आपका अपनी सैलरी में बेसिक पे का 10 परसेंट डि डिडक्ट होता है अपनी तरफ से उसके अलावा 14 परसेंट बेसिक पे का गवर्नमेंट की तरफ से ऐड करवाया जाता है जो कि आपको आगे जाके मिलता है एज अ पेंशन के तौर पर या मैं कहूँ कि पेंशन का एक परिष्कृत रूप है एनपीएस ठीक है हाँ और सबसे अच्छी बात मैं इसमें बता देती हूँ मेनली काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में ये चीज़ें होती हैं दिल्ली पुलिस में भी ये है हाल ही में आपने सुना होगा कि यूपी पुलिस से सब इंस्पेक्टर अपनी जॉब को, को रिज़ाइन देकर दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल को फिर से ज्वाइन कर रहा है तो क्या ये पॉसिबल है हाँ मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाती है जिसे हम कहे तो लाइडउन पीरियड होता है इसमें क्या होता है कि आप पहले एज अ दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल रहते हैं या दिल्ली पुलिस के किसी भी पोस्ट पर रहे हैं आने वाले टाइम पर अगर आपका सिलेक्शन किसी अदर एग्जामिनेशन में हो जाता है तो आप अपनी अदर इस सर्विस को रिजाइन देने के बाद में जब उस दूसरी सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो दो साल का एक लाइ पीरियड होता है जिसमें कि आप अपनी पेरेंट डिपार्टमेंट यानी कि हम कहें तो दूसरे डिपार्टमेंट को छोड़कर वापस अगर आप दिल्ली पुलिस में आना चाहे तो आप आ सकते हैं इसके लिए आपकी पर्टिकुलर सीट यहाँ पर रिजर्व रहती है याद रहे है, ये पीरियड जो है दो साल का होता है दो साल से ज़्यादा होने के बाद में आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी और खास न्यूज़ थी इसमें ये है कि आपको आफ्टर ट्रेनिंग क्या क्या काम करवाना पड़ेगा तो देखो इसमें आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं थाने में जा सकते हैं आप बटालियंस में जा सकते हैं आप क्राइम ब्रांच में जा सकते हैं आप स्पेशल सेल में जा सकते हैं ई फारो में जा सकते हैं आप वी में जा सकते हैं उसके अलावा आपकी कोर्ट ड्यूटी होती है उसके अलावा आपकी पार्लियामेंट में ड्यूटी होती है एन में जा सकते हैं आई में जा सकते हैं सी में जा सकते हैं एन में पर्टिकुलर आप जो है एक कोर्स करके जा सकते हैं कमांडो में आप जा सकते हैं तो जो भी आपके जो है मन में एक्स्ट्रा क्वेरी

Constable से 30 साल यानि कि 10, 20, 30 वाले सिस्टम पर प्रमोशन में कर दिया उसके बीच में अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आप कॉन्स्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भर्ती हो सकते हैं अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो कॉन्स्टेबल से हेड कॉन्स्टेबल आफ्टर सर्विस तीन साल के बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भर्ती हो सकते हैं आपको एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है उसके साथ ही साथ आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अच्छा है तो आप विदेश मंत्रालय में भी काम कर सकते हैं एज ए कॉन्स्टेबल रहते हुए तो इस वीडियो में मैंने आपको दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल को कैसे ज्वाइन करना है आफ्टर ट्वेल्थ इसमें क्या क्या सैलरी होती है क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है कितना आपको जो है प्रमोशन मिलता है सारी बातें इंक्लूड करी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा नए नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर करिएगा उसके अलावा कुछ तो कुछ कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद